स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र, परम दानवीर और सत्यवान, कर्मों के कारण ही कल्लू चंडाल के हाथ में बिके और शमशान घाट में चंडाल का काम करते थे, मुर्दों को फूंकते। महान चक्रवर्ती राजा बलि, एक तो बाली था सुग्रीव का भाई, एक बलि जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता था, महान दानवीर था। 52 अवतार में उसे पाताल भेज दिया गया था, बलि पाताल धरी। कोटि गऊ नर्पदान करत नित गिरकिटी योनि पड़ी। ये कर्म छोड़ता नहीं है पीछा इंसान का। कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रही। ये संसार कर्म जाल में सभी बंधे हुए हैं। इसी को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पर आगे साहब, इसका मतलब हमारा जन्म बार बार आवागमन कर्म के कारण हो रहा है। इसका मतलब है ये कर्म को तो भोगना पड़ेंगे, तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। पर साहब कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सतगुरु ओठ, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार के छार करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जिस दिन गुरु नाम देता है, पहला काम वो ये करता है, कर्मों को नाश कर देता है। कैसे करता है? जैसे अंधकार में मत्सर विचरण करते हैं, पर जब रोशनी हो जाती है तो वो सब लुप्त हो जाते हैं। इसलिए गुरु कर्म काट देता है, ये परम सत्य है। आप देखें, कर्म अंतःकरण में था, गुरु ने अंतःकरण को शुद्ध किया। करुण जगत से न्यार, उसमें मैंने ये उल्लेख किया है। आप देखें, नामदान से पहले आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण, आपका कर्म कैसा था। नामदान के बाद आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जो मलिन कर्म थे वो गुरु ने हटा दिए। इसका मतलब है हम पाप करते जाएंगे, आगे गुरु हटाता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दिया। अब आपको क्या कैसे चलना है, जो नियम बताए हैं उसका पालन करना है, यही तप है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। सत्य पर चलना कठिन है, ये एक तपस्या है, आपको काफी दिक्कत आएगी। सत्य तो बहुत बड़ा तप है ना, ऐसा नहीं है कि आप समझौता करें, छोटी मोटी तकलीफ आई, चलो अभी आज झूठ बोलते थे, कल फिर देखेंगे, पूरा मामला खत्म हो जाता है। सत्य के समान कोई धर्म भी नहीं है, कोई तप भी नहीं है। आपको कहा मांस नहीं खाना, क्योंकि ये महापाप है। साहिब ने मांसाहार पर तो ये कह दिया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत कर होए भक्ति में हान। इसलिए ये बहुत बड़ा पाप है। आप कल्पना करो, कोई आपके बच्चे को मार के खा जाए, कितना दुख होगा। पशुओं को भी ऐसा ही दुख होता है, बकरी को भी दुख होता है, मुर्गी को भी दुख होता है, गाय को भी दुख होता है, किसी भी जीव को नहीं मारना। ये धर्म दुनिया का महान धर्म इसलिए है क्योंकि इसके दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। एक तो तुम सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा, किसी भी को जीव को मारना नहीं। अहिंसा में यह है, मन वचन कर्म से भी किसी को दुख नहीं देना, किसी को ऐसी बात नहीं बोलना वो दुखी हो जाए, ये भी हिंसा है। किसी को गाली नहीं देना, किसी को कठिन नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना। इसलिए मन वचन कर्म से ही किसी को दुख नहीं देना, आप सोचें इंसान कितना जेंटल हो जाएगा। तीसरा कहा भाई, नशा न करना। आप देखें, नशा आपके पड़ोस में भी लोग रहते हैं जो नशा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, पूरा घर बहुत दुख होंगे, शरीर
अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य कांड को दे। पार्श्विक वृत्ति बनाता है। चौथा का परिस्त्री गमन न करना। जब इंसान परिस्त्री गमन करता है तो पहले चोरी करता है, खुले में थोड़ी जाता है, चोरी से जाता है, पहला वो चोर बन जाता है। अरे जो पदार्थ रानी के वही कहानी के हैं, अपनी पत्नी तक ही सीमित रहो, उससे धोखा हो जाएगा, नहीं तो तुमने उससे वायदा किया था कि हम दोनों जीवन में एक साथ रहेंगे, जतित्व और सतित्व की प्रार्थना थी, प्रतिज्ञा थी। साहब ने तो इस पर इसको घोर पाप कहा। पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना हैं, रावण के दस सिर गए पर नारी के माँ हैं। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के दस सिर गए पर नारी के संग। इसलिए ये पाप है, महापाप है। इसकी वजह है, इंसान ब्याह शादी करके एक परिवार बनाता है और सात फेरे लेकर कसम खाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं। जब पति को पता चल जाएगा मेरी स्त्री का चरित्र खराब है तो उसे मारेगा या भगा देगा। देखो पूरा कुल उनका ख़त्म कर दिया ना तुमने, पूरा गृहस्थ ख़त्म कर दिया ना तुमने। पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आपको पापों से बचाने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कराई। पांचवा, चोरी नहीं करना। आप सोचें, आपने परिश्रम से कमाया हुआ धन रखा, कोई आकर चुरा के ले जाए, आपके हृदय पर कितना कष्ट होगा, आपका हृदय कितना विदारित हो जाएगा। इसलिए किसी की चोरी नहीं करना। मैं तो ये कहता हूँ, नीचे पड़ा हुआ सामान भी नहीं उठाना, ये भी पाप है, नहीं उठाओ। क्यों पाप है? आपने उठाया तो आपकी ड्यूटी है उसको उस तक पहुंचाओ। एक बार मेरी माँ को एक चैन मिली सोने की, तो मुझे दी, बोला लो। मैंने कहा माँ क्यों उठाई तुमने रास्ते से? बोला पड़ी हुई थी। मैं बोला ये चैन उठाकर तुमने मेरे लिए एक झंझट खड़ा कर दिया, अब मेरा ये ड्यूटी है जिसकी चैन है उस तक पहुंचाना। मैंने अखबार में दिया, भाई एक चैन मिली है, जिसको चाहिए ले जाओ, कोई नहीं लिया। 5 साल तक उस चैन को मैंने अपने पास रखा, फौज में था उस समय। मैं कहाँ रखता था? मेरे जूते के अंदर रखता था। मैं ट्रेनों में सफ़र करता हूँ, कभी कभी क्या होता है, पैसे होते हैं तो मैं टूटे फूटे बैग में रखकर सीट के नीचे फेंक देता हूँ। मैं देखता हूँ जिनके पास पैसे या गहने हैं वो मोटा मोटा बैग अपने सिराने रख कर यूँ लेट जाते हैं और बार बार चौंक कर उठते हैं और देखते हैं हाय अटैची है या नहीं है। मैं तो कहा पैसा फालतू रखना ही नहीं। जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। कितना रखो जितनी ज़रूरत है। आप कहेंगे महाराज बेटी की शादी करनी है, ये दहेज तो गंदी प्रथा है। दहेज लेना भी पाप है, देना भी पाप है। दहेज देना घर को बांटना है। पहली बात तो यह है, आदमी ने लड़की को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, धन खर्चा किया, बड़े लाड़ दुलार से पाला, आपको दे दिया, ये उसकी बड़ी मेहरबानी नहीं है? हाँ, एक भैंस अमृतसर में 4.5 लाख रुपए की बिकी, उसने तो बेटी अपनी पाल पोस कर बड़ी करके लिखा पढ़ा कर आपको दे दिया, यही दहेज है? उसके बाद तुम इससे पैसे मांग रहे हो, महापाप। मैं कहता हूँ दहेज की प्रथा लालची और ठग लोगों द्वारा स्थापित है। साहब ने एक वाणी कही, कहता नर बहुते मिले गहनता मिला न कोई। जो कहनता तो बहुत है मिले, गहनता मिला न कोई। वह कहनता बह जाने दे जो न गहनता होए। अरे कहने वाले बहुत मिलते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। अरे जो ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, उसको जाओ छोड़ दो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैंने तो ब्याह नहीं किया, 4 भाइयों की शादी कराई, किसी से दहेज नहीं मांगा। मैंने उनको हिदायत दी, किसी तिथि त्यौहार पर भी हमारे घर हराम का पैसा मत भेजना, न कोई मिठाई भेजना, न फल भेजना, न कपड़े लत्ते भेजना। यहाँ लालची लोगों ने एक नियम बनाया है कि जब वो अपना प्रसव में आ जाती हैं तब ये करना, फलाना ये करना, इस तिथि पर
माँ बाप जाकर ये के दे जाना, उनको बंधन में डाल दिया, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा धन्यवाद है तुमने लड़की पाल पोस कर हमारे कुल में दी, हमारा खानदान भी बढ़ाएगी, सेवा भी करेगी घर में, इससे बड़ा और क्या होता है, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। यहाँ लालची लोग, ये दहेज कौन मांगता है? दहेज आदमी नहीं मांगता है, दहेज बंदा नहीं मांगता है, ये दहेज माइयाँ मांगती हैं। वो कहती है मेरी बहू घर से सोना भी लाए, गाड़ियाँ भी लाए, रुपया भी लाए। ये दहेज तो माइयों ने स्टार्ट किए खुद। लोग कहते हैं नारी का शोषण है भारत में, भारत में नारी का शोषण है ही नहीं, नारी का शोषण खुद नारी करती है। ब्याह होकर जब लड़की ससुराल में जाती है, ससुर उसको कुछ नहीं बोलेगा, पति भी उसे प्रेम करेगा, देवर कुछ नहीं बोलेगा, जेठ कुछ नहीं बोलेगा, तंग करती है सास, जेठानी, ननंद, कहती क्या तू लाई क्या है? अरे क्या लाए, तुम कोई भिखारी हो? मैंने चार भाइयों का ब्याह किया, पहली शर्त रखता था कुछ नहीं लाना इधर, नहीं लाने दिया, आगे भी नहीं लाना, लाओगी तो उठाकर नाली में फेंक दूंगा, तुम्हारे सामने ही फेंकूंगा, क्योंकि हम हक की कमाई खाते हैं, तुम्हारे घर से आया हुआ धन हमारे लिए हक का नहीं है, ठीक है? सोच भी सच्ची रखनी है और व्यवहार भी सत्य करना है। इस तरह सत्य के अष्ट प्रकरण, आठ प्रकरण है, वो उसका अनुकरण करना है, इससे बड़ा कोई तप ही नहीं है। तभी तो साहब ने कहा ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। धर्म के अवतार युधिष्ठिर जुआ खेले, बीबी को हार गए, भाइयों को हार गए, द्रौपदी ने कहा भी एक जुआरी जो खुद को हार गए, मुझे हारने का उसको क्या अधिकार था? जुआ इतनी गंदी चीज, लॉटरी मत खेलना, शर्त नहीं लगाना, सट्टा नहीं खेलना, ये सब जुआ है। और जुआ आज न मुआ तो कल मुआ, क्योंकि जो हार जाता है उसका भी हृदय दुख जाता है, वो धन तुम्हारे घर का विनाश कर देगा, और तुम हार गए तो तुम्हारा भी जुआ वो खेल है, हारने में भी दुख है और जीतने में भी दुख है। इसलिए जुआ वर्जित। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों को हारा है, अपनी बीवी को हारा, अपना राज्य हार गया, युधिष्ठिर यहां दोषी हैं, ठीक है? चाहे कोई कुछ भी कहे, उसको कैसा धर्मराज था, उसने अपनी बीवी को दाव पर हार दिया, भाइयों को हार दिया, उसको क्या अधिकार था अपने भाइयों को हारने का? जुआ की तपिश इतनी जबरदस्त होती है आदमी को भस्म कर देती है। इसलिए तुम्हें मैंने कहा जुआ नहीं खेलना, किसी भी तरह की जुआ मत खेलना, किसी से धोखा नहीं करना, किसी से कपट नहीं करना, नहीं तो पाप कर्म बनेगा। तुम्हारे पिछले कर्म काट लिए, इसके बाद जो भी गलत करोगे भोगोगे। फिर साहब सिर्फ इतनी कंसेक्शन देगा, अगर तुम्हें 10 तमाचे का कर्म किया खोटा जिसमें 10 तमाचे लगने हैं, साहब 10 एक साथ नहीं लगाएगा, इतनी कंसेक्शन करेगा, लेकिन 10 पड़ेंगे, एक दिन एक पड़ेगा बूथे पर धड़ाम, फिर 4-8 दिन बाद दूजा पड़ेगा, 10 पूरे पड़ने के बाद तब तुम्हें छुट्टी है। आप अब सोच कर करो, आपका अभी अंतःकरण शुद्ध है, आप विचार कर काम करना, याद रखना, हमेशा याद रखना, यही कर्म भूमि है, बाकी और कर्म भूमि कहीं नहीं। स्वर्ग आदि लोग तो भोग भूमि है, ब्रह्मादि लोग तो भोग भूमि है, और पितरादि लोग तो भोग भूमि है। इसी पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से मनुष्य कर्म करके उसका फल भोगने के लिए कहीं जाता है, इसलिए ये कर्म भूमि है। यह संसार कर्म का खेल है, विचार करके कर्म करना, मन वचन कर्म से किसी से अन्याय नहीं करना, बल है तो किसी दुर्बल को न सताना, धन है तो किसी गरीब को नहीं सताना, विद्या है तो किसी अनपढ़ को नहीं परेशान करना, सुंदरता है तो किसी कुरूप का मखोल नहीं उड़ाना, ऊंची जात में है तो किसी छोटी जात का अपमान नहीं करना, ये सब पाप है, पाप है। किसी को भी बी जेंटल, मन वचन कर्म से दुख नहीं देना। इसलिए साहब ने इन विषयों पर कहा, दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना सांस की फूकनी, लोहा दे गलाए। भाई जब राम जी जैसे, कृष्ण जी जैसे पूतों को, सपूतों को कर्म फल भोगना पड़ा, तो फिर आपकी क्या गिनती है? इसलिए ये विचार करो, किसी भी तरह से किसी को दुख न देना। साहब ने एक ही शब्द में पूरी बात समेट दी, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। जब आप सत्य बोलते जाएंगे, सत्य पर चलेंगे, पहला लाभ क्या होगा? अंतःकरण निर्मल हो जाएगा,
फिर क्या होगा, जो कहोगे होता जाएगा, जो चाहोगे मिलता जाएगा। इसलिए पुण्यात्माओं के महात्माओं के पास लोग जाकर प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? मुसलमानों में एक नियम है, शब्बे रात के दिन वो फकीरों को सूफियों को दान देते हैं। पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं हे फकीर, हे पीर, तुम मेरी ओर से खुदा से दुआ करना, प्रार्थना करना मेरे कल्याण के लिए, क्योंकि खुदा उनकी बात सुनता है जिनका हृदय साफ और पाक है। हमारा हृदय साफ पाक नहीं है, इसलिए हमारी पुकार उस तक नहीं पहुंचती है। तुम्हारा दिल सफा है, इसलिए तुम्हारी पुकार उस तक पहुंचेगी। ये छोटी सी भेंट दे रहे हैं हमारी तरफ से, ईश्वर से हमारी खैरियत मांगो। देखा, कहने का मतलब है वो साफ हृदय की बात सुनता है, कुंठित हृदय की नहीं। इसलिए दिल का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान औरों का उठा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा अवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। इंसान इस तरह सत्य पर चलकर इस दुनिया में बाजी जीत जाता है, नहीं तो बाजी हार जाएगा। सत्यमानों में अद्भुत शक्ति होती है, जो झूठे हैं वो तो उस टीले की तरह है, जो सत्यमान है वो विंध्य पर्वत की तरह स्थिर है, वो डिग नहीं होते हैं। जो झूठे लोग हैं चाहे ऊंचे भी दिख रहे हैं, वो ड्यून है। ड्यून रेत का टीला होता है। राजस्थान में क्या होता है, कभी कभी हवा चलती है तो ड्यून बन जाते हैं पहाड़ रेत के, सुबह देखो तो होते ही नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं, ये सब झूठ है। भाई बहन बंधु घर धन दारा संपत्ति सकल जन अपनी कर जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। जो सपना पेखड़ा जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। यह रैन का सपना, साहब ने भी अपनी वाणी में साफ कहा, यह संसार झाड़ और झंखड़ उलझ पुलझ मर जाना है, यह संसार पेड़ सेमर का फूल सेमर का चोंच लगे पछताना है, यह संसार नाव कागज की बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश पिराना है। आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, न जाने कहां कहां से घूम कर आए हो। ये मानव तन दुर्लभ है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला। भय आहार मैथुन निद्रा दुनिया के सभी प्राणियों को समान रूप से मिलता है। जो इंद्र इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर विषय भोग का आनंद प्राप्त करता है, वही सूकर सूकराणी के साथ कीचड़ में करता है। इसलिए नाना जन्मों में तुमने विषय भोग किए, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये मानव तन विषयों के लिए नहीं मिला, नर तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज भय। इसलिए है मनुष्य, तू ये तन प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर, मत कर शादी, मत कर ब्याह। पता है पहले मैंने ऐसे बहुत लड़के तैयार किए जिनको कहा ब्याह नहीं करना, हाहाकार मच गया। गांव के लोगों ने कहा बेटे को मत भेजना, ये मधु परमहंश के बाद ये खुद शादी ब्याह नहीं किया, ये बाकी को भी बिगाड़ेगा। फिर मेरे गुरुदेव ने कहा यार मधु तू ये नहीं बोल, ये मत बोल, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं तेरे पास। नहीं तो पहला लेसन उनको ये देता था, ब्याह करना ही नहीं, ब्याह नहीं ये ब्याध है, सको तो जाए बचाए। एक माई मेरे पास आई, बोला गुरुजी मेरे बेटा एक ही बेटे, मेरे बेटे को कहो ब्याह करे, जब तक आप नहीं बोलेंगे नहीं ब्याह करेगा। मैं बोला भाई मैं कैसे बोलूं? बोला आपके ज्ञान के कारण वो ब्याह नहीं कर रहा है, हम इसका ब्याह करना चाहते। पहले मैं शिक्षा यहीं से शुरू करता था, शादी करना ही नहीं, आजकल मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। गुरुदेव ने मुझे मना किया ऐसा नहीं कर, नहीं तो पहले ही यहाँ आना मुश्किल है, लोग आएंगे नहीं। हाँ, जो ब्याह करना चाहे उसको रोकना नहीं, जो नहीं करना चाहे उसे बोलना नहीं, नहीं करे। इसलिए दुर्लभ तन व्यर्थ न जाए, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। इसलिए कबीर सुमरण सार है, दूजा सबे असार, नियमों का पालन करना तप है। उसके साथ फिर मैंने आप सात नियम के बाद बोला, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र मत मानना। बिजनेस आप टेलीविजन पर देखो, तमाम ज्योतिषियों की भरमार हैं, ऑनलाइन भी कॉल करते हैं, समस्या 500 रुपए, अच्छा ठीक है आपको धनी बना। अरे जब तू भैया धनी बना सकता है तो उस मंत्र से अपने को धनी बना, क्यों पब्लिक से 500-500 रुपए ले रहा है?